अस्सलामुअलैकुम जी, आप लोगों को नई वीडियो में खुश आमदीद करते हैं। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप लोग फिज़िकल मेजरमेंट या फिर आप दौड़ में जो है वो क्लियर नहीं कर पाते किसी इशू की वजह से, फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब इसमें यह है कि आप लोग दौड़ पूरी करने की कोशिश में थे और टाइम पर नहीं पहुँच सके, फिर आप रिव्यू बोर्ड में एप्लीकेशन नहीं दे सकते। और इसके साथ आप लोगों की फ़िज़िकल मेजरमेंट में अगर कुछ इंचज़ का डिफरेंस रह जाता है तो फिर उसकी आप रिव्यू बोर्ड में दरख्वास्त दे सकती हैं, अदरवाइज़ दरख्वास्त देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ये भी है कि अगर आप लोगों को ना फिज़िकल मेजरमेंट रह जाती है और उसके लिए आप रिव्यू बोर्ड में दरख्वास्त देना चाहती हैं तो वो आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन दौड़ वालों के जो चांसेज हैं वो बहुत ही कम होते हैं कि रिव्यू बोर्ड में उनकी दरख्वास्त जो है वो कबूल की जाए। ओके, ये आपको समझ आ गया कि किसको दरख्वास्त देनी चाहिए किसको नहीं, लेकिन दौड़ वालों के भी कभी कभी ले ली जाती है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और उनको दोबारा दौड़ाया भी जाता है, तो ये आपकी किस्मत भी हो सकता है कि आपका जो है एक्सेप्ट होना हो, लेकिन फिज़िकल मेजरमेंट वालों का ना अक्सर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। अब एप्लीकेशन देनी कैसे है आप लोगों ने, अगर आप लोग PHP के लिए रिव्यू बोर्ड में एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं तो दो दिन है, 15 और 16 जून तक आप एप्लीकेशन, 15 और 16 जून को, इससे पहले भी नहीं और इससे बाद में भी नहीं। अगर आप SPU में रिव्यू बोर्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देना चाह रहे हैं तो फिर 10 और 11 जून को आप दे सकती हैं, इससे पहले और इससे बाद में नहीं दे सकते, ये आपने याद रखनी है। इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपने देना कहाँ पर है, किसको देना है, SPU वाले एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट लाहौर लिखेंगे, लाहौर भेजेंगे जहाँ पर उन्होंने अपने फिज़िकल मेजरमेंट के लिए जाना था या गए थे, वहीं पर जो उसका हेड होगा उसके नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है और उस दरख्वास्त में सिर्फ इतना बताना है कि सर हमारी किसी वजह से मेजरमेंट ठीक नहीं हो पाई या दौड़ पूरी नहीं हो पाई, उसका जो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम हो वो बता देंगे और आप कहें कि दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि दोबारा हमारी मेजरमेंट की जाए या दोबारा दौड़ कराई जाए ताकि मैं ठीक तरीके से आपकी जो है ना मेरिट पर अपना काम पूरा कर सकूँ और अपनी दौड़ या फिज़िकल मेजरमेंट को पास कर सकूँ। लेकिन अगर आप लोग जो है ना PHP के लिए अप्लाई करती हैं तो फिर आपको जो रीजनल ऑफिस है जहाँ पर आप लोगों ने अपनी फॉर्म जमा कराए हैं उस ऑफिस के हेड जो है उसके नाम आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है और उसके बाद उनको भी यही बातें बतानी है जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि क्या क्या जो है आपको मसला दरपेश आया है और इसलिए आप लोग दोबारा जो है वो फिज़िकल मेजरमेंट करवाना चाह रहे हैं या फिर दौड़। और दोस्तों, रिटन टेस्ट का जो फेज़ 2 है वो मैंने स्टार्ट कराया हुआ है, आज तीसरा दिन है, अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहें तो अभी ज्वाइन कर लें, यही हफ्ता है, बाद में काम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं पीछे वाला काम कवर नहीं करवा पाऊँगा और आप लोगों से माजरत करनी पड़ेगी, आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब मैंने बैच 1 स्टार्ट किया था तो बैच 1 के स्टार्ट कर लेने के भी 4-5 दिन बाद बच्चों ने कहा था सर हमें अभी ज्वाइन करना है, तो जब काम ज़्यादा हो जाता है फिर बाकी बच्चों को ऐड करना मुमकिन नहीं रहता क्योंकि काम फिर पीछे से कवर कराना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से ज्वाइन कर लें, डेली 4 बजे क्लास हो रही है तो आप उसको इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रिव्यू बोर्ड के हवाले से मैंने सारी बात क्लियर कर दी है, उम्मीद है आपको कोई मसला अब दरपेश नहीं आएगा, अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकती हैं। मजीद गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करनी है ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दें अपने उस सुल्तान को, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, सबको कामयाबी नसीब फरमाए, अल्लाह हाफिज़।